वेलकम बैक टू माय चैनल लखनऊ का नवाबी जायका। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग शरबत बनाने जा रहे हैं जो इफ्तार के टाइम आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक गिलास भर के, बड़ा जंबो गिलास है, उसे भर के दूध ले लिया है। आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, लेकिन अगर कच्चा लेंगे तो बेहतर है, पका हुआ दूध ना लें तो बेहतर है। और उसके बाद में मैंने लिया है दही, तो ये कम से कम 100 ग्राम दही है। और थोड़े से मैंने ये देखिए तरबूज के टुकड़े लिए हैं, इस तरीके से काट लिए हैं, उनके अंदर की बीज मैंने निकाल दिए। और मैंने साथ में ही लिया है रूह अफ़ज़ा। तो चलिए हम सारी चीजों को डाल देंगे अपने जूसर जार में जिसमें हमें जूस बनाना है। तो इसमें हम डाल देंगे दही, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे दूध। अब हम इसमें डाल देंगे तरबूज के टुकड़े और इसमें हम डालेंगे शक्कर भी, तो हमें शक्कर इसमें लेना है। देखिए मैंने एक गिलास भर के लिया है, तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम से कम 5 चम्मच किसी भी शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें जितनी आपको मिठास चाहिए आप उतना इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 5 टीस्पून डाल दिया है, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़े से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने लगभग इसमें 3 चम्मच डाला है। इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, अगर आपके पास बर्फ है तो आप बर्फ भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें आधा गिलास के लगभग ठंडा पानी यूज कर रही हूँ। और इसमें जितनी मैंने शक्कर डाली है वो इसमें काफी होती है मिठास के लिए। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 आध चम्मच बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम करते हैं ग्राइंड। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए जूस हमने बना लिया है, इसे हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें हमने जो तरबूज डाला है वो सब पूरा ऊपर आ जाता है, तो जिससे ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं छान ले रही हूँ, इसमें जो एक आध बीज वगैरह भी रहेगी वो भी छन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से इसे छान लिया है मैंने। तो चलिए देखिए शरबत हमारा बंद करके तैयार हो गया, इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है, पूरे रोजे की जो भी आपकी भूख प्यास जो भी रहती है उसे ये एकदम खत्म कर देता है। बहुत आपको मजा आने वाला है इसे पी करके। तो इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।